प्रयास वर्कबुक इंग्लिश ग्रेड 4 और 5। आज इसमें हम पढ़ेंगे असिस्मेंट 10 असिस्मेंट 10। प्यारे बच्चों, आप YouTube चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। चलो अब स्टार्ट करते हैं। असिस्मेंट 10 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पोइम एंड राइट इन द गिवन स्पेस। मतलब इसमें से वो वर्ड चूज करने हैं जो इस राइम में आते हैं। व्हेन आई वाज वन, तो इसमें वन। आई हैड जस्ट बिगेन, तो इसमें बिगेन आएगा। When I was two, इसमें टू आएगा। I was nearly new, इसमें न्यू आएगा। When I was three, इसमें थ्री आएगा। I was hardly me, इसमें मी आएगा। वन बिगेन, टू न्यू, थ्री मी, ये राइम के वर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, join the following sentence using and, but or because। इन तीनों का प्रयोग करना है सेंटेंस के अंदर। पहला क्वेश्चन है इसमें, सोनम won the race, she run very fast। तो इन दोनों के बीच में सेम लिख के बिकॉज आएगा। SONM सोनम won the रेस बिकॉज, इसमें बिकॉज आएगा। इन तीनों में से अपने को सही वाक्य चूज करना है। सी रन वेरी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2, दी वेटेड फॉर रमन, ही डिड नॉट कम। तो इसके अंदर इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बट का प्रयोग आएगा। ही वेटेड फॉर रमन बट ही डिड नॉट कम। दे वेटेड फॉर रमन रमन बट ही डिड नॉट कम। अगला क्वेश्चन देखिए, रिया इज वेरी सैड, सी लॉस्ट हर बुक। तो इसके अंदर अपन को दोनों को बीच में जोड़ने के लिए बिकॉज का प्रयोग करेंगे। रिया इज वेरी सैड बिकॉज सी लॉस्ट हर बुक। क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन आंसर। अपने को आंसर दिए हुए हैं, इसका क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन में व्हाट हू हाउ मैनी का प्रयोग करना है। इसका आंसर देखिए, देर आर 50 रूम्स इन द होटल। होटल के अंदर 50 रूम है। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ मैनी रूम्स, हाउ मैनी रूम्स देयर आर दी होटल। ये इसका क्वेश्चन बनेगा। बी में देखिए, दिस इज ए प्रिंटर। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, WHAT वॉट इज दिस,
वॉट इज दिस। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, रमन इज बेस्ट फ्रेंड, तो इसका क्वेश्चन बनेगा हु इज वाई ओ यू यूअर बेस्ट फ्रेंड। ये था असिस्टमेंट 10 और पेज नंबर 107। थैंक यू बच्चों।